नमस्कार, मैं अमर आपके साथ और आप देख रहे हैं आमार आशा न्यूज। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज भयंकर एक्सीडेंट करीमगंज जिले के पुईमारा में। करीमगंज जिले के पुईमारा में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी राष्ट्रीय सड़क के किनारे के जलाशय में गिरकर डूब गई है। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंच गई और तुरंत ही डूबे हुए वाहन को निकालने के लिए गोताखोरों को बुलाया गया। घटना दोपहर के समय की बताई जा रही है, जब एक तेज गति से आ रही गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और जलाशय में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन शाम 4 बजे तक गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला है। गोताखोर लगातार जलाशय में गाड़ी की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग चिंता में हैं। अधिकारियों ने कहा है कि जलाशय की गहराई और कीचड़ की वजह से गाड़ी को ढूंढने में कठिनाई हो रही है। पुलिस और SDRF की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द गाड़ी को बरामद किया जा सके और स्थिति पर काबू पाया जा सके। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।